कोई कहता है कि ASI दे ट्रेंड है, कोई कहता है जी ये एजेंसियां दे प्लांट है, तुसी दसो तुसी की हो वास्तव च? देखो किसी दे कहण नाल ना ते मनुख कोई चंगा बन सकदा ना माड़ा बन सकदा। जिहड़ा प्रोपोगंडा है कोई नवा नहीं, कि जिहड़ा भी कोई पंथ दी पंजाब दी गल करे उन्हूं ASI दा बंदा कह देना, उन्हूं किसे दा एजेंट कह देना, हर तेर उन्हूं दूजे दा एजेंट दसण लग पैंदी। समाज दा ढांचा इन्ना विगड़ जावे जिथे जिन्हां दी जिम्मेवारी होवे इहनूं ठीक करन दी, वह अपनी जिम्मेवारी च फेल होण, उस तों बाद कोई इंसान समाजिक ढांचे नूं सुधारन दी गल करे, प्रॉब्लम नूं आइडेंटिफाई करे, उहदे ते काम करना शुरू करे, उत्थे फिर जिहड़े बंदिआं दा फेलियर हुंदा उह लुकाउण लई उत्ते इल्जामबाजी जिहड़ी आम गल हो जांदी। सो मैनूं इह लगदा वी मैं पंथ दा दास ही हाँ, मैं नौकर अपने आप नूं कहूँगा सिखी दा, इस तों वध ना ते कोई डेफिनेशन मैनूं चाहीदी है। ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ASI ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਲਾਂਟੀ ਟੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਏਜੰਸੀਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਨਾ ਅਸਲ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ, ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਤੇ ਪਿੰਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆੜ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਰਲ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣ, ਸਲਾਹ ਕਰ ਲੈਣ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਪਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਣ। कई लोगों में भाई इस बात का भी है कि कहीं पंजाब दोबारा से 1980 के दौर में तो नहीं जा रहा? वो कौन लेके जाएगा पंजाब को? मैंने पहले भी कहा जो एस्टेब्लिशमेंट के लिए लड़ रही पार्टी होती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, कोई भी ग्रुप होता है, वो कभी भी ये रास्ता नहीं चूज करना चाहता। उन्हें पता है कि एस्टेब्लिशमेंट के पास बहुत पावर होती है इस रास्ते पर, तो वो कौन लेके जाएगा उस रास्ते पर? फियर ऑफ एटमोसफेयर जो है, जो फियर साइकोसिस खड़ा किया गया सोसाइटी में, वो क्यों खड़ा किया? वो वायलेंस से किया गया ना, स्टेट वायलेंस ने फियर खड़ा कर दिया। नहीं तो इंडिपेंडेंस की बात करनी, आज़ादी की बात करनी, सॉवरेंटी की बात करनी, सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात करनी, कहाँ से फियरफुल होती? सप्रेस ना करो, उन्हें सुनो, उसके आगे स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट रखो। आर्गूमेंट का समय आप डायलॉग के युग जी रहे हैं। मैं कहना ओपन इनविटेशन है नैशनल मीडिया ने, इंटरनेशनल मीडिया ने, दुनिया भर के स्कॉलर्स में ओपन इनविटेशन है, जिहड़ा जिथों आना चाहता आ सकता है, मोस्ट वेलकम है, आन आके डायलॉग कर। असं यह गल दुनिया पद्धर के उत्ते कहना चाहते हैं कि जिहड़ी सैल्फ डिटरमीनेशन है ये मनुख का बर्थ राइट है। साथ लोग चलते हैं, आप बीसी लोग आपके साथ चलते हैं, बंदूकें होती है उनके पास, तो बंदूकें वो किसी को गोली मारने के लिए होती है? फिर क्यों है? अभी देखें हमारे या आपको जान का खतरा है? मैं बता देता हूँ क्या खतरा है। ड्रग का प्रॉब्लम पंजाब में, ड्रग आप मालते हैं $1 billion इंडस्ट्री, बहुत बड़े स्मगलर हैं, ड्रग लॉर्ड्स भी होते हैं, उनके पास सब क्राइम करने की कैपेसिटी होती है। हमने उनके खिलाफ मूवमेंट शुरू की है, तो हमें तो अकेला गवर्नमेंट से थोड़ी खतरा है, हमें तो हर तरफ से खतरा है।